कुछ चीजों पर बात करनी जिस पर ट्विटर पे कुछ दिनों से विवाद चल रहे हैं, जैसे कि हमारा जो सेकंड ऑनलाइन ऑल इंडिया भोजन यूट्यूबर मीट 2021 होने वाला है। तो अभी जो है वो लगभग 10 बज चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी ऊपर आया क्योंकि मैंने ना नया सिस्टम बनाया है कि मैं रात को 12 बजे सो जाऊंगा, भले कुछ हो या ना हो, भले मेरा वीडियो एडिट हो या ना हो। इस वजह से मेरे वीडियो जो है वो 2 दिन से नहीं आ रहे थे। सुबह 7 से 8 बजे उठूंगा और अपना काम स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन आज का जो अपडेट है वो ये है कि पूरा जो ये यहाँ पे जो इंजेक्शन लगा था ना, रात को मैंने उसको थोड़ा सा मल लिया तो दर्द होना स्टार्ट हुआ और वो ऐसा लग रहा है कि दर्द होते होते पूरे शरीर में आ गया है। फीवर तो नहीं लग रहा है लेकिन पूरे जॉइंट्स में है ना पेन हो रहा है और हल्का सा सर दर्द हो रहा है मेरा, थोड़ी घबराहट सी भी हो रही है लेकिन ठीक है। हाँ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फीवर नहीं आया? रात में आया था ना। अभी सही है? शरीर में वो टूटन जकड़न है भाई, फीवर तो नहीं है। हाँ टूटन जकड़न तो मेरे भी है। रात में आया था। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। सनी से भी बात हुई, बोलता है कि बहुत एनर्जी सी फील हो रही थी और फिर अब पूरा शरीर टूट रहा है। वो यही हो रहा है मेरे संग। मैं सोच रहा था कि कैमरा लेके मैं नीचे आया और मैंने सोचा था कि मैं ऑफिस जाऊंगा और आगे का ब्लॉग भी कंटिन्यू करूंगा, बट हालत थोड़ी सी मेरी है ना ख़राब हो रही है और मतलब इतनी बुरी नहीं है लेकिन मैं ऑफिस जाकर काम नहीं कर सकता क्योंकि हल्का सा हेडेक हो रहा है और सारे जिस साइड वैक्सीन लगी थी ना उस साइड पाँव, उस साइड हाथ, उस साइड कमर पूरी मतलब दर्द हो रही है। और थोड़ा बहुत मैंने गूगल किया तो ये पता चला कि ये नॉर्मल है और कोविशील्ड की वैक्सीन में नॉर्मल है और इससे पता चलता है कि आपको जो वैक्सीन लगी है वो परफेक्टली काम कर रही है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ आराम किया जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऑफिस में हूँ और देखिए यहाँ पे सब लोग आ गए। सब लोग बढ़िया हैं? सब लोग बढ़िया। इसका डायलॉग तो बढ़िया ही रहना। थोड़ा तक तो ठीक ठाक है। ठीक ठाक अभी का पता नहीं। नहीं आगे अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा। अपन तो वैक्सीन लगवा ली है। जिंदा है? जिंदा है वैक्सीन के बाद। कल भाई साहब कल तो मतलब पूरे दिन मैं सोता ही रहा, मैंने दवाई खाई, अभी भी इस वाले हाथ में हल्का सा दर्द है और इसका तो वीडियो मैंने भी देखा नहीं क्योंकि मैं सुबह से अपने वीडियो एडिटिंग में लगा हुआ था। क्या क्या मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था। क्या हो गया था? मतलब बुखार आ गया था, हल्का सा फीवर आ गया था और ये दर्द और सिर पर ऐसा लग रहा है कुछ भारी सामान सा रखा हुआ है, ठीक है, और ये टीका यहाँ लगा वो दर्द और पैर दर्द बहुत भयंकर हो गए। पैर तो बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे। चढ़े भी तो पहाड़ी पे थे अपन। तुम करना था बॉडी पेन हो रहा था। ये तो बोला था मैं कल भी आ रहा हूँ, तो आ जाएगा, मैं कैसे आऊंगा। और इतने दिन कैसे रहा घर पे? सब बढ़िया, सब ठीक है अब तो। और अभी हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई नहीं है इनकी तरह मैंने। हाँ ये 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 दो लोगों ने मना किया। ये क्या? नहीं मैं बता चुका हूँ पहले, ये दोनों लोगों ने मना कर दी थी। तो अभी हम लोग बिल्कुल सही हैं और लगभग मुझे लगता है 1 महीना हो गया। 24 तारीख से ही हम लगभग लगभग धीरे धीरे सब गायब होना स्टार्ट हो गए थे। सबसे पहले अंकित, फिर सनी सबसे पहले गायब हुआ था लेकिन वो अपने काम में लगा था। क्या फिर अंकित, फिर युगल, फिर हनी तो तो इतना हंस रहे हैं ना, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक समय भी हो सकता था ये, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो शुक्र। अभी भी निकला नहीं है तो अभी भी हम लोग हंस रहे हैं। मतलब हम लोगों ने जो ये वेव आई थी ना वो लगभग पार कर ली है। अब कह नहीं सकते कि पॉजिटिव रहना सबका हमारा काम है और सबको बताना कि हम पॉजिटिव आ रही है। कोरोना पॉजिटिव रहना नहीं, कोरोना पॉजिटिव नहीं, बी पॉजिटिव। अच्छा बी, ठीक है, बी पॉजिटिव रहना। तो ये देखो ये फिर से गिफ्ट आया है अंकित और युगल।
तो आज हमारी पूरी मतलब जितनी भी वर्किंग स्लो हो गई थी मुझे लगता है आज से फास्ट हो जाएगी। तो अच्छा काम हमारा जो है वो पूरा हो चुका है और पूरा पीछे भर चुका है, फिर से ऐसा होने लग गया तो थोड़ा अच्छा लगा देख के। समस्या थोड़ी सी हो गई थी लेकिन अब वो धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो रही है। लेफ्ट 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 से चलें क्या? नहीं लेफ्ट में पास पास में आ जाएंगे ना, पर इसलिए थोड़ी दूर तभी तो मैं पूछ रहा था लेफ्ट से चलेंगे। Have you been vaccinated? If yes, press 1. Were you asked to wait for 30 minutes post-vaccination for monitoring any adverse events? अपन को रुकने का तो बोला नहीं था उन्होंने, क्यों? Experience of vaccination? ये और इफ नो, ये तो प्राइवेट कंपनी होती थी ना पहले, काम करने का तो वो प्राइवेट लेती थी, फीडबैक लेती थी। वैसे एक फोन आया हमारे पास वैक्सीनेशन का और उसमें फीडबैक लिया उनने पूरा। उनने बोला 30 मिनट आपको वेट करवाया था क्या उनने कि बैठो यहाँ पर? नहीं कराया ना, नहीं कराया। मतलब रास्ते में कुछ हो जाता तो आपकी जिम्मेदारी, ये तो आप हमारी जिम्मेदारी। कुछ मास्क और आ गए और ये वाले मास्क जो है वो डिफरेंट वाले हैं, तो वो मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ। ये बीमार है, फोर्टी आ रही है इसको पूरा। यहाँ पे देखो बिस्तर इसने गंदा कर दिया है और ये देखो ये मेरा वीडियो देख रही है, कमेंट पढ़ रही है। देख लो ये कमेंट पढ़ती है सारे के सारे। इस बार जो मास्क लेकर आए ना वो दोनों टाइप के हैं, एक जिसमें ना वो नोज पीस लगा रहता है और दूसरा ये वाला है। ये सिंपल सादा मास्क है जिसमें 5-6 लेयर्स हैं, 6 लेयर हैं शायद, और इसको आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हो। एनर्जी लेके आ रहा हूँ कुछ चीज़ों पर बात करनी जिस पर ट्विटर पे कुछ दिनों से विवाद चल रहे हैं, जैसे कि हमारा जो सेकंड ऑनलाइन ऑल इंडिया भोजन यूट्यूबर मीट 2021 होने वाला है और उसमें है ना हमने पहला जो गेस्ट है उन्हें चंद्रशेखर आजाद जी को बुलाया है। और उनका क्यों बुलाया ऐसा लोगों का कहना है कि उनकी क्या जरूरत थी, वो तो एक राजनेता है, उनका क्या लेना देना इस इवेंट से। और सही बात है भोजन यूट्यूबर्स में सिर्फ बहुजन यूट्यूबर्स की मीट होनी चाहिए, इनको क्या क्यों बुलाया हमने, नहीं क्या जरूरत थी। जो सेकंड गेस्ट हैं वो अशोक सिद्धार्थ जी हैं जो मेंबर ऑफ राज्यसभा बीएसपी से हैं और ये भी एक राजनीतिक पर्सन हैं और लोग इन पर भी बोल रहे हैं कि फिर इनको भी क्यों बुलाया गया है, उसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। जो थर्ड व्यक्ति हैं वो रमेश ठेठे सर हैं जो कि एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं और जो अभी इस वक्त पिक्चर बनाने वाले हैं द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, और अभी जितने भी बहुजन यूट्यूबर्स हैं उन सभी के चैनलों पर कम से कम आपने एक बार तो उनको देखा ही होगा। और इस तरीके से हम लोग कुछ लोग और भी अपने साथ लाइनअप कर रहे हैं और जैसे जैसे लोगों की कंफर्मेशन मिलती जा रही है हम उनको उनके पोस्टर्स जो है ना वो अपडेट कर रहे हैं। अब क्यों बुलाना है इन लोगों को यार, अब ये बताओ बहुजन यूट्यूबर्स जो है ना वो किसकी खबरें बनाते हैं? ज़्यादातर लोग जो है ना वो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर खबरें बनाते हैं, भीम आर्मी के ऊपर खबरें बनाते हैं, एएसपी के ऊपर खबरें बनाते हैं, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव पर जो फिल्म बन रही है उसके ऊपर खबरें बनाते हैं। तो जो आप बहुजन यूट्यूबर्स हैं आप लोग जिनके ऊपर खबरें बनाते हैं उनको अगर आप लाइव देखोगे और उनसे ये सुनोगे कि उनकी ज़िंदगी में बहुजन यूट्यूबर्स की क्या अहमियत है, मतलब वो किस तरह से देखते हैं कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हो और आपको किस तरह से काम करना चाहिए या उनको क्या फ़ायदा हुआ, और इस अब वो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा मुझे ऐसा लगता है। और इस तरीके से हम बहुत सारे लोगों को बुलाना चाहते थे लेकिन हमारे पास टाइम जो है ना बहुत कम है। और ना बहुत सारे बहुजन यूट्यूबर्स का ये भी कहना है कि है ना आपने उनका लोगो नहीं लगाया है या उनका लोगो छोड़ दिया है, यहाँ पे किसी ने किसी को इन्वाइट नहीं किया गया है, यहाँ पर एक बहुजन यूट्यूबर का मीट हो रहा है और आप लोग अगर बहुजन यूट्यूबर हैं तो आपको खुद आना चाहिए कि यार भाई हम भी हैं, हमें भी इसके अंदर लो। और ना मतलब ये भी होता है कि हम सबको फ़ोन लगाएं और सबसे बात करें लेकिन क्या है ना कि मेरी तबीयत ख़राब है आपको पता है, और है ना मेरे परिवार में कभी कॉर्पस की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी अरहंत की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मुझ पर इतना तो मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। और जो हमारे सुमित भाई हैं उनको वो कोरोना की लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं, लास्ट स्टेज पे ठीक होने की लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं,
तो वो भी सही हो रहे हैं, लेकिन वो अभी बीमार हैं, ज़्यादा टाइम वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो हम जितना हो सकता है ना मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे में ना बार बार पोस्टर डालना, सबसे कांटेक्ट करना, तो ज़्यादातर काम जो है उस समय भाई कर रहे हैं, और तो ऐसी हालत में ना ये सारे काम करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट ईयर जो प्रोग्राम होगा, मुझे लगता है हम उसमें एक बहुत बड़ी टीम बना लेंगे और वो सब लोग मिलकर काम करेंगे। अभी तो एकदम से ना ऐसे बैठे हुए थे, सोचा यार ऐसा कुछ होना चाहिए, जो लास्ट ईयर हुआ था उसको फिर से कंटिन्यू करना चाहिए हमको, अगर नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। लास्ट टाइम तो मैं सिर्फ गेस्ट था, इस बार मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ इस चीज़ में और लोगों को कॉल भी कर रहा हूँ, मैसेज भी कर रहा हूँ, एक लिंक डाला। अगर आप लोग भी बहुजन यूट्यूबर आप इस मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ना एक लिंक डाला, उस लिंक पर जाइए, फॉर्म भरिए, सिंपल सा है, और आपका डिटेल जो है ना हमारे पास है ना लिस्टेड हो जाएगा, और हो सकता है हम आपको भी एक पास भेज दें हमारे इस मीटिंग का, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको आना है तो एक पास है, मतलब ऐसा नहीं आप इसे लाइव देख सकते हैं, आपको पास एक यूज़र आईडी एक पासवर्ड आएगा, जब आप उससे लॉगिन करेंगे तभी आप ये जो समारोह हो रहा है, ये अखिल भारतीय बहुजन यूट्यूबर का मीट हो रहा है ना, तभी आप इसको लाइव देख पाएंगे। तो आपका समय कम है और हमारे पास भी कम है, और हमारे पास समय कम होने के साथ साथ तबीयत भी ख़राब है, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग का चाहते हैं, प्लीज़ कोई भी बुरा ना मानिए, क्योंकि जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। चलो इस वीडियो को एडिट करके अपलोड भी करना है। बाय 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 बाय, कीप सपोर्टिंग।